वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। हमने पिछली वीडियो में आपको जो है इस कलर की जो है चोली बनाना बताई थी, या टॉप कह लें या ब्लाउज कह लें, बनाना बताया था। आज हम इसका स्कर्ट बनाएंगे और या लहंगा, हम कुछ भी कह सकते हैं उसको उस तो। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ये जो आपको दिखाया था कि मैंने बेल की सूरत में इस्तेमाल करूँगी, तो हम मैं बता देती हूँ इसका साइज़ कितना है। हमारे इस बनारसी बेल का 4.5 इंच है, हम 4.4 इंच मानेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंच माइनस करेंगे हम। उसके बाद हमें जो है लेनी है तकरीबन 28 इंच का लहंगा लेना है, तो हम इसमें 28 इंच में हम 4 इंच प्लस माइनस कर देंगे, तो हम 24 इंच की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं, 24 इंच का कटिंग करेंगे, उसमें 1 इंच हम बेल्ट लगाएंगे, उसको हम कर देंगे माइनस। थोड़ा सा लहंगा लटकना चाहिए नीचे, ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने इस तरह हमें क्योंकि सर्कल चाहिए, हाफ सर्कल बना रहे हैं हम, तो ये पूरा मैंने इस तरह सेट किया है। अब मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ कि हमें कितना लेना है। ये देख रहे हैं हमें 24 इंच, ये हमारे पास तकरीबन 28 इंच का पीस है, नीचे देख लें आप। तो अब हम इसको हमें 24 इंच का चाहिए, ठीक है, बल्कि हम 23 इंच कर लेंगे। ऊपर हम दो इंच की जो है हमें बेल्ट डालनी है, ठीक है। यहाँ तक हमने सेट करा इसको, उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ से। और फिर यहाँ से भी हमें, ये देख रहे हैं आप, इसको 5 इंच रखा हुआ हमने, ये पूरा लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 24 इंच, ठीक है। इसको हम नीचे की तरफ ले जाके कटिंग करेंगे, 24 पूरा नापते जाएंगे, देख रहे हैं आप इसे। अब मैं इसकी पहले कटिंग करूँगी, फिर ऊपर का सेटअप हम करेंगे। पहले इसे निकाल देते हैं काट के हम। ठीक है, ये पीस हमने निकाल दिया है, अब ये हमारे पास पीस है। अब हम इसको यहाँ से सेटअप करेंगे, हम देख रहे हैं आप इसको। हम इस साइज़ को कम कर सकते हैं क्योंकि ये पीस हमारा थोड़ा छोटा हो गया। ऊपर से हम 2 इंच की बेल्ट लगा देंगे, हमें 26 इंच 28 इंच का लहंगा चाहिए, वो हमारा रेडी हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, तो हम इसको 4 इंच का हमारी वो बेल्ट है, तो ये 24 इंच चाहिए, 2 इंच हम ये निकाल देंगे, तो हमें 22 इंच के लिए हम ये रेडी करेंगे। तो अब मैं इसको 22 इंच से नापना शुरू करूँगी, देख रहे हैं आप इसको यहाँ से। अब यहाँ से हम पूरा ले लेंगे, 7 इंच हो रहा है पूरा, देख रहे हैं ये इस तरीके से हमारा सेटअप आ जाएगा। अब मैं इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा पीस आ गया है इस तरीके से। यहाँ पे बेल्ट लगेगी और नीचे हमारी जो है ये बेल हमने जो लगाई थी वो आ जाएगी, बेल इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह पूरी बेल आएगी पूरी गोलाई में, ठीक है। ये देखें आप इस तरह, यहाँ पे भी इसी तरीके से आएगा पूरा। और हम यहाँ पर जो है एक अपनी जो पतली वाली बेल निकली थी वो पट्टी यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हल्का सा धब्बा आ रहा है, उससे खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और ये जो हमारी साड़ी में धब्बा लगा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सीना। आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसके ऊपर की जो पत्ती वाली बेल थी वो इस तरह मैंने 3 इंच के करीब, ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंच के करीब हमने इसको पूरे में एडजस्ट कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ये जो इस बेल में से जो हमारे पास पीस बचा था वो ये देख रहे हैं, ये पीस, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है साड़ी का हमारे, वो बचा ही है, हमने लिया हुआ है तकरीबन 2 इंच के करीब, ठीक है। वो हम ऊपर की तरफ हम ये पूरा मैंने लिया है, ये बैक साइड पर हमारा जाएगा, इसे सी लिया है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे ऊपर फ्रंट पर जो है ये आएगा 2.5 इंच के करीब हमारा इससे सिलने के बाद आएगा, ये इस तरह हमारी बेल्ट आएगी, ये फ्रंट पे आएगी खाली, ठीक है। और बैक पे जो है हम ये लगाएंगे और इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको इसी तरीके से। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है।
आप देख रहे हैं हमारी बेल्ट इस तरह बन गई है। बैक साइड से भी आप देख लें, ये सादा पीस लगा के हमने बनाया है, फ्रंट से ये इस तरह बनाया है। तो ये हमारा फ्रंट का पीस रेडी हो चुका है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। अब ये बैक है हमारा, बैक में हमने ये जो ली हुई थी अपनी बेल्ट उतनी बड़ी ली है, मगर ये हमने प्लेन ली हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। और ये हमारी इलास्टिक है, ये मैं दिखा दूँ कितने इंच की हमारी इलास्टिक है। क्योंकि फ्रंट का हमारा जो बेल्ट है वो थोड़ी बड़ी है, तो ये हमने 8 इंच की लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको इलास्टिक लगाएंगे और इसको फिर फ्रंट और बैक को साथ में एडजस्ट करेंगे इसे। ये देख रहे हैं, ये इस तरह हमने किया है ये और जो एक्सेस पीस है ना, ये काट के निकालूंगी अपना। अब ये हमारा फ्रंट है, अब यहाँ से हम देखेंगे ये कितना पूरा हमारा साइजिंग पूरी आनी चाहिए। ये यहाँ से मैं लूँगी, ये देख रहे हैं आप इसको इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से इसी तरीके से, और यहीं हम अपनी इलास्टिक सेट कर देंगे इसको। ये हो गया हमारा। दूसरा साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे सेट, इसको नीचे से सीना शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल बराबर हो हमारी बेल्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और ये हम थोड़ा सा हिस्सा छोड़ेंगे क्योंकि हमें नीचे इसमें बॉर्डर लगाना है अपना। ठीक है, ये देखें, ये हमने इस तरह से किया। अब इसको भी हम इसी तरह फोल्ड करके अपनी इलास्टिक यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको, यहाँ हमने रखा है इलास्टिक, और इसके बाद इसको इस तरीके से हम ठीक है। अब ये हम इसको बेल्ट को हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ये जो पीछे वाली हमारी है पूरा करके इस तरीके से हम निकालेंगे, और उसके बाद इसको खींच के ये सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पूरी हम सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये हमारी पूरी एडजस्ट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं करती हूँ, ये देख रहे हैं आप, इस तरह हमारी खुलेगी ये कमर के पास इस तरीके से, देख रहे हैं आप। तो उसके बाद जो है हम इसमें जो है, जब ये इलास्टिक रेडी हो जाएगी तो ये जो हमारी ये जो देख रही है, हमने इलास्टिक लगा ली, ये इस तरह एक इलास्टिक के ऊपर एक हमने सिलाई मारी है, तो ये ज़रा स्टाइलिश सी लग रही है हमारी बैक साइड की इलास्टिक, और ये हमारा फ्रंट का है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको नीचे का नीचे जो हमारा फॉल लगानी है या बॉर्डर लगाना है उसको हम स्टार्ट करेंगे। वो मैंने यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोली थी, आपने देखा होगा यहाँ से, यहाँ पर हमने ओवरलॉक चला दी, इसको मैं निकाल दूँगी काट के, ठीक है। धीरे यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ये जो बॉर्डर, हमने इसको एहतियात से कटिंग करी है। यहाँ से हम जहाँ से ये स्टार्ट है, ये जो हमारा बॉर्डर है बिल्कुल मेन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हल्की हल्की से हमें चुन्नट भी लेनी होगी, ये बॉर्डर सीधा है, और जो ये हमारा स्कर्ट लहंगा जो है वो थोड़ा सा सर्कल में है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह से काम स्टार्ट करना यहाँ।
आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा घाघरा रेडी हो गया है और ये इतने आराम से ये हमारी जो है ये नीचे का जो बॉर्डर है ये लग गया है इसके अंदर और ये ऊपर की बेल्ट ये देख रहे हैं आप इसको ये पूरा रेडी हो गया है इस तरह से। और इसका ब्लाउज़ मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बना के दिखा चुकी हूँ। अगर आपको हमारा ये खूबसूरत सा लहंगा या घाघरा पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.